डॉक्टर रामाराव जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। ये क्वार्टर के बारे में डॉक्टर रामाराव बात करें और जो आपको ओवरऑल ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं आगे आने वाले क्वार्टर्स में, क्या ये ग्रोथ वापस आती हुई नजर आती है, हाई ग्रोथ? डॉक्टर रामाराव अपना माइक कृपया करके अनम्यूट करें। माइक तो जी जी सुनाई दे रही है अभी, सुनाई दे रही ना? हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ, जैसा आपने बोला है कि जो ग्रोथ रेट है हमारा पिछला 3-4 क्वार्टर का, आई थिंक टॉप लाइन ग्रोथ रेट हम कंटिन्यू टू मेंटेन करेंगे उसको, एंड देन द बॉटम लाइन आल्सो, आई थिंक बहुत सारा एक्शंस ली गई है जिसकी वजह से हमको कॉन्फिडेंस है कि बॉटम लाइन का ग्रोथ भी मेंटेन होना चाहिए। डॉक्टर रामाराव, बाजार में काफ़ी इस बारे में चर्चा हो रही है कि ग्रैन्यूल्स एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक या तो उनको इंक्लूड करने के लिए अपने बिजनेस में, प्रमोटर्स अपना स्टेक ओपन है थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए, या किसी तरह का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर या टाइप, आप हमारे साथ बात कर सकते हैं, इस तरह की कोई बातचीत जारी है क्या इस एरिया में, आप देख रहे हैं वैल्यू अनलॉकिंग के मूड में? I don't think there is anything of that nature. It may be a simple rumor outside in the market. Right. All right, Dr. Rama, आपके आने वाले quarters के लिए शुक्रिया, और ये clear भी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। Thank you. जी, Dr. Rama Rao, Granules India के management बता रहे हैं कि आगे आने वाले quarters में उम्मीद है improvement की। इस बार थोड़ा सा margin pressure आया, days low पे stock भी trade कर रहा है। In fact, overall pharma की बात करें तो ये stock थोड़ा underperform भी किया।